गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17, द गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड रीड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड हाउ द लेजिस्लेटिव मेंबर आर इलेक्टेड, व्हाट आर देयर फंक्शंस। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द लॉ एनफोर्सिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इंक्लूड द गवर्नर एंड स्टेट कैबिनेट। पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, उसमें मेंबर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, उनके क्या काम होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो स्टेट का इन्फोर्सिंग बॉडी होती है, जो इम्प्लीमेंट करता है हर काम को, वो ये जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नर, और जो स्टेट के कैबिनेट हैं उसके बारे में, जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का जो हेड होता है वो कहलाता है गवर्नर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट फंक्शन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं स्टेट फंक्शन के, वो किसके नाम पे होते हैं, गवर्नर के नाम पे। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर से रिकमेंडेशन के बाद। ही इज अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ 5 years, और उन्हें 5 साल के समय के लिए कार्यकाल के लिए अपॉइंट किया जाता है। बट ही कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ दिस टर्म बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट द्वारा उन्हें इस टर्म के खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है। द गवर्नर कैन रिलाइव हिमसेल्फ ऑफ हिज ड्यूटीज बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। गवर्नर अपनी ड्यूटी से रिलाइव कैसे पाता है, वो अपना एक रिजिग्नेशन लेटर लिखता है। रिजिग्नेशन लेटर किसके नाम पे लिखा जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पे। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द स्टेट डिस्चार्जेस द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर। अगर गवर्नर की एब्सेंस चल रही है तो जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, वो गवर्नर की ड्यूटीज को डिस्चार्जेस करता है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ टेम्प्ररी गवर्नर, और प्रेसिडेंट एक टेम्प्ररी गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही मस्ट कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years, 35 years की एज को वो कंप्लीट कर चुका होना चाहिए कैंडिडेट। ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, वो ना ही पार्लियामेंट का और ना ही स्टेट असेंबली का मेंबर होना चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओथ टेकिंग सेरेमनी, बिफोर ऑक्यूपाइंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर अ पर्सन हैज टू टेक एन ओथ ऑफ फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और इन हिज एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। किसी भी गवर्नर की पोस्ट में जब कोई पर्सन बैठता है तो उसको बैठने से पहले उसको एक शपथ लेनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के फेथ और एलिजेंस के को लेकर, और ये शपथ किसके सामने होती है, ये शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने या उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जस्टिस जो हाई कोर्ट के होंगे उनकी प्रेजेंस में होता है। द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर लाइक दोज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर के ज़्यादातर जो पावर होती हैं, जो फंक्शन हैं, वो प्रेसिडेंट की तरह ही होती हैं। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, गवर्नर चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स उनको अपॉइंट करते हैं। ही ऑल्सो अपॉइंट द अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लाइक एडवोकेट जनरल, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लोक आयुक्त एक्सेट्रा। इनके अलावा भी कई सारे ऑफिसर्स को ये अपॉइंट करते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल हो, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ह्यूमन राइट कमिश्नर हो, या ह्यूमन राइट के मेंबर जो होते हैं, चीफ सेक्रेटरी हो स्टेट का या लोक आयुक्त। दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट असेंबली, और ये सारे अपॉइंटमेंट्स स्टेट असेंबली के रिकमेंडेशन के साथ होते हैं। द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन एंड एडजर्न द स्टेट असेंबली, गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट असेंबली को समन कर सके और उनसे पूछताछ कर सके।
द बिल पास्ड बाय द असेंबली बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द एसेंट ऑफ द गवर्नर. बिना गवर्नर के परमिशन के कोई भी बिल जो पास होता है वो लॉ नहीं बनता है. When Vidhansabha is not in session and a law is urgently required, the governor can himself pass some order. जब विधानसभा सेशन में नहीं होती है और किसी लॉ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नर खुद में भी कुछ ऑर्डर पास कर सकते हैं. These orders are called ordinances और इन्हीं ऑर्डर्स को ऑर्डिनेंसेस कहा जाता है. They have the effect of law और ये लॉ की तरह ही काम करते हैं. If the governor feels that the state government is not functioning accordingly to the constitution due to the members changing party or due to any other reason, the government is not able to discharge its functions properly, the governor can recommend the president for the imposition of the president's rule in the state. अगर गवर्नर ने देखा कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है, वो चाहे किसी मेंबर की पार्टी चेंज करने के कारण हो या कोई भी रीजन हो, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं कि आप इस जगह पे क्या लगा दें, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दें या इस स्टेट में प्रेसिडेंट शासन लगा दें, राष्ट्रपति शासन लगा दें. The state cabinet. You have studied about the elections of the members of Vidhan Sabha. आपने election के बारे में पढ़ा है कि जो Vidhan Sabha के members होते हैं उनका election किस प्रकार से होता है. You have also studied at the assembly election. Assembly election के बारे में भी पढ़ा है. Whole state is divided into constituencies. पूरे state को constituencies के बारे में divide कर दिया जाता है छोटी छोटी constituencies में. According to the constitution, a council of minister is constituted to aid and assist the governor. The leader of this council will be the chief minister. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली गवर्नर की मदद के लिए एक मिनिस्टर की काउंसिल बनाई जाती है और उस पूरी काउंसिल का जो लीडर होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर. इट इज़ गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप इन द स्टेट असेंबली इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप का लीडर होता है, मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, उसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. Sometimes two or more parties combine and elect their leader. कभी कभी दो या दो से अधिक parties combine होकर एक साथ मिलकर भी अपने leader को चुनती हैं. But they have to prove their majority in the house. लेकिन उनको house में अपनी majority show करनी होती है. The chief minister is appointed by the governor. और chief minister का appointment governor करते हैं. On the advice of chief minister, he appoints the other minister. और chief minister के advice के साथ वो दूसरे minister को भी appoint करते हैं. ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर. द गवर्नर एलोकेट्स द पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. और गवर्नर जो होते हैं वो मिनिस्टर की शपथ ग्रहण भी कराते हैं और मिनिस्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं. किसके बेसिस पे? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ. द फोर रैंक्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके जो चार रैंक हैं वो कौन कौन सी हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी. टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली. काउंसिल ऑफ मेंबर का मिनिस्टर्स का मेंबर होने के लिए किसी भी पर्सन को स्टेट असेंबली का मेंबर होना जरूरी है. If he is not a member at that time of appointment, अगर वो अपॉइंटमेंट के समय मेंबर नहीं है, then he should become a member of the either house of the state assembly within a period of 6 months. अगर वो उस टाइम अपॉइंटमेंट के समय पे मेंबर नहीं है तो 6 अपॉइंटमेंट के बाद 6 महीने का समय उसे दिया जाता है कि आप किसी भी हाउस का मेंबर बनिए. पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय द विधानसभा. जो विधानसभा के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना ही काउंसिल ऑफ मेंबर्स का मेन फंक्शन होता है. इट इज़ द काउंसिल ऑफ मेंबर विच डिसाइड्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडवाइजेस द गवर्नर इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये काउंसिल ऑफ मेंबर ही होते हैं जो नई पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, और गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं. दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट. और ये स्टेट्स के रियल एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं. इट्स पावर्स एंड फंक्शंस आर एज फॉलोज. इनके पावर और फंक्शन इस प्रकार से हैं. टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूट देम.
किसी पॉलिसी को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम्स द पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट के डेवलपमेंट के लिए स्टेट काउंसिल जो मेंबर्स होते हैं वो पॉलिसीज को फ्रेम्स करते हैं, बनाते हैं। टू एग्जीक्यूट देयर पॉलिसी इट इशूज नेसेसरी ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स। और अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ इशूज कुछ क्या करते हैं वो डायरेक्शंस देते हैं और ऑर्डर्स देते हैं। इट ऑल्सो कीप्स अ वॉच ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पॉलिसीज एट द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। और इन एग्जीक्यूशन पे नज़र भी रखी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। टू एडवाइज द गवर्नर द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइजेज द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हायर पोस्ट इन द स्टेट। स्टेट की हायर पोस्ट के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसके लिए गवर्नर को एडवाइज भी करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेजिस्लेटिव फंक्शंस द गवर्नमेंट बिल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो गवर्नमेंट बिल होते हैं वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स द्वारा ही बनाए जाते हैं। एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस इन द आइदर ऑफ द हाउस। और इसके बाद उसे किसी भी हाउस में उसको सामने रखा जाता है या उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट इज द मेंबर ऑफ द काउंसिल हु गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिल एंड आंसर क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और ये उसी काउंसिल के मेंबर होते हैं जो इस बिल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। इफ एनी बिल इज नॉट पास इन द विधानसभा देन द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। और अगर कोई बिल विधानसभा में पास नहीं होता है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है। द फाइनेंशियल फंक्शंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर द लॉज एंड पॉलिसीज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिपेयर्स अ मोशन व्हिच इज नोन एज फाइनेंस बिल। और किसी भी लॉ को पारित करने के लिए पॉलिसी को पारित करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक मोशन प्रिपेयर करती है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूसेस द बिल। फाइनेंस मिनिस्टर ही इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं व्हिच द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेज जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।